तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी काफ़ी बढ़िया होंगे। तो भाई आज की वीडियो मतलब खासम खास रहने वाली। आजकल ना मारुति की गाड़ी और खास करके मारुति में स्विफ्ट का VXF वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट जहाँ पर बात आती है, तो भाई इसका VXF वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा बिकता है। तो बेसिकली आज हम इस गाड़ी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी को 2023 में ख़रीदना चाहते हो तो आपको कितना कुछ प्राइस देखने को मिल जाता है। उससे पहले अगर आप में से किसी भी बंदे को अपनी गाड़ी का रिव्यू करवाना हो या चैनल पर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो भाई डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल है, कॉन्टैक्ट जरूर करें। इस गाड़ी को इंजन की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 1197 सीसी का इंजन देखने को मिलता है विद 4 सिलेंडर के साथ, जिसमें कि अगर पावर की बात करें तो 76 BHP 6000 RPM पर, वही टॉर्क की बात करें तो 113 Nm टॉर्क 4400 RPM पर। इसके अलावा अगर हम इस गाड़ी के माइलेज की बात करें तो पेट्रोल में कंपनी क्लेम करता है इसका 21 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से। इस गाड़ी में आपको 5 सीटर की सीटिंग कैपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो आपको इस गाड़ी में 268 लीटर का डिस्पेस ऑफर किया जाने वाला है। इसके अलावा अगर हम इस गाड़ी के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिर इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम इस गाड़ी के कर्व वेट की बात करें तो आपको इस गाड़ी में 920 kg का कर्व वेट ऑफर किया जाने वाला है। ये सब तो इस गाड़ी की नॉर्मल चीज़। अगर हम इस गाड़ी के कुछ फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स की तरफ बात करें तो जैसे कि अगर आप इसका टॉप एंड वेरियंट खरीदते हो तो आपको इतने कुछ फीचर्स मिलते हैं जैसे कि ABS, EBD, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, कीलेस एंट्री, स्पीड अलर्ट, क्रैश अलर्ट, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट और ऐसे काफ़ी सारे आपको इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स देखने को मिलते हैं। देखो ये सब तो इस गाड़ी कुछ स्पेसिफिकेशन, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट के इस गाड़ी के प्राइसिंग की बात करते हैं कि जो इसका VXF वेरिएंट जो कि सबसे ज़्यादा इंडियन मार्केट में पसंद किया जाता है और सबसे ज़्यादा इसका जो VXF वेरिएंट बिकता है वो आपको ऑन रोड कितने का देखने को मिलता है 2023 में अगर आप इस गाड़ी को अभी खरीदते हो तो, जो कि आपको ऑन रोड पड़ता है 7,75,000। और इसके अलावा अगर आप इस गाड़ी को फाइनेंस करवाने की सोच रहे हो तो आपको 1-1.5-2 लाख रुपये भी महंगी रहने वाली है, वो आपका फाइनेंस प्लान के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। बाकी आप सभी के दिमाग में डाउट होगा कि हमारे लिए VXI वेरिएंट कैसा कुछ रहने वाला है LXI के मुकाबले अगर आपका बजट नहीं है तो। LXI की बात करते हो तो वो बिल्कुल ही बेस वेरिएंट होने वाला है, तो आपको उस गाड़ी में कुछ भी फीचर्स नहीं मिलने वाले हैं। उसके अलावा अगर आप इस गाड़ी का VXI वेरिएंट लेते हो तो आपको थोड़े बहुत फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको LXI में मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से तो आपके लिए VXI वेरिएंट काफ़ी बढ़िया रहने वाला है LXI के मुकाबले, बाकी वो सब आपके ऊपर डिपेंड रहने वाला है। बाकी वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और जो कमेंट सेक्शन है आप सभी के लिए खुला है, डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आप सभी को वीडियो कैसी लगी। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।